राधे राधे। नेत भाग में आपका स्वागत है। मैं पंडित एकानंद। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मई में क्या मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले काफी आक्रामक होते हैं और ये बड़ी तेज स्वभाव के गर्म स्वभाव के मंगल की राशि, मंगल की तरह काफी तेज होते हैं और काफी अग्रेसिव होते हैं। सिंह के बाद में जो अग्रेसिव राशि होती है वो वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि वाले काफी एक्टिव, तेज चलने वाले, जल्दी बोलने वाले, लेकिन बड़े ही गर्म स्वभाव और प्रभावित स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। मई महीने में सूर्यदेव इनके छठे भाव में उचित है। लड़ाई झगड़े से बचिए। कोई नया मैटर क्रिएट हो सकता है, किसी के साथ बड़ा बहस हो सकता है, बातें आगे तक बढ़ सकती है। इसलिए पूरे महीने आपको लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। कैरियर ग्रोथ दिख रहा है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, नया काम कर सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इनकम के सोर्स अच्छे दिख रहे हैं। लव मेट्स को थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत है, रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं। नया प्रपोज ना करें, ना ही नया प्रपोज एक्सेप्ट करें। प्रॉपर्टी के मैटर ठीक रहेंगे आपको। स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी के मैटर चलेंगे, भाग में वृद्धि दिखाई। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा मतभेद क्रिएट हो सकता है, बातें बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव शादी ब्याह से सप्तम मैरिज भाव के 12th भाव में है, तो मैटर क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी ग्रह अपने से बार में अपने से फर्स्ट हाउस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसलिए मैरिज को रिलेटेड कंसंट्रेट करने के लिए, मैरिज को कंटिन्यू सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करते रहे। एक लोटे में सिंदूर और गुड़ मिला के सूर्यदेव को नित्य दें। सूर्यदेव के मंत्र का जप करें, ओम सूर्य आदित्याय नमः, एक माला डेली जप करें, गाय को डेली गुड़ खिलाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।